हेलो, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला है कि अगर साइन थेटा प्लस कॉस थेटा पी है, सेक थेटा प्लस कॉसेक थेटा क्यू है, तो हमें प्रूव करना है कि क्यू, तो हमें दिखाना है कि क्यू इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू पी। तो हम फटाफट से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास ये है क्यू इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस वन। अभी हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करना शुरू कर रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या है? तो क्यू की वैल्यू है सेक थेटा प्लस कॉसेक थेटा इंटू ब्रैकेट। पी की वैल्यू क्या है? तो पी की वैल्यू ये है और उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि पी स्क्वायर है माइनस वन। अभी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। अभी ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम किसे एक्सपांड करेंगे? इसे, इजंट इट? ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जहां पे ए साइन थेटा है, बी कॉस थेटा है। तो मैं इतना जो है वो कॉपी कर दूंगा और इसे मैं एक्सपांड कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, sec theta plus cosec theta, ये मैंने कॉपी कर दिया, इसे मैं एक्सपाइंड कर रहा हूं। जहां जहां पे भी a है वहां पे sin theta, b है वहां पे cos theta। तो ये हो जाएगा sin square theta, a की जगह पे sin लिख दिया, 2 a की जगह पे sin, b की जगह पे cos, b square यानी cos square theta, और ये लास्ट में 1 तो है ही, माइनस 1। अभी मैंने sec theta plus cosec theta कॉपी कर दिया, सेकेंड ब्रैकेट में मैं ये दोनों टर्म्स को एक साथ ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थेटा एंड कॉस स्क्वायर थेटा, क्योंकि कुछ आइडेंटिटी मुझे लग रहा है कि इसमें यूज होगी। तो साइन स्क्वायर थेटा प्लस कॉस स्क्वायर थेटा, बाकी का मैंने कॉपी कर दिया, तो साइन स्क्वायर थेटा प्लस कॉस स्क्वायर थेटा हो जाएगा 1। यहाँ पे मैं सब कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ साइन स्क्वायर थेटा प्लस कॉस स्क्वायर थेटा की जगह पे लिख दूंगा 1। अभी यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है। तो सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास रह गया सिर्फ 2 साइन थेटा इंटू कॉस थेटा। अभी थोड़ा मैं वो देख रहा हूँ कि मुझे क्या प्रूव करना है, 2p को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा करना है कि 2p की वैल्यू क्या है, साइन थेटा प्लस कॉस थेटा, ये मेरा RHS है और मुझे LHS पे वर्क करके इसे लाना है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा जो RHS है वो साइन थेटा कॉस थेटा के फॉर्म में है, तो मेरे पास ये तो साइन थेटा कॉस थेटा फॉर्म में ही है, ये मेरा साइन थेटा कॉस थेटा फॉर्म में नहीं है तो मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो sec थेटा क्या हो जाएगा, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये पैर में हर एक वीडियो में आपको रिपीट करवा रहा हूँ, वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि sin cosec, cos sec tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 अपॉन sin हो जाएगा cosec, 1 अपॉन cosec हो जाएगा sin। तो इसी तरह 1 अपॉन cos हो गया sec और cosec क्या होगा, 1 अपॉन sin, ये मैंने कॉपी कर दिया। अभी ये दोनों को LCM लेके मैं सॉल्व करूंगा, तो LCM होगा cos थेटा sin थेटा, cos थेटा को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थेटा sin थेटा होगा sin थेटा से, sin थेटा को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थेटा sin थेटा होगा cos थेटा से, ये मैंने फिर से कॉपी कर दिया। अभी यहाँ पे मेरा LCM हो गया cos थेटा sin थेटा और न्यूमरेटर में sin थेटा प्लस cos थेटा मल्टीप्लाई में ये तो है ही। अभी sin थेटा इंटू cos थेटा, sin थेटा इंटू cos थेटा कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास क्या रह गया, तो मेरे पास रह गया सिर्फ इतना। और अभी मैं अगर मेरे RHS को देखूं तो यस, मुझे जो चाहिए उसके करीब करीब कुछ आ रहा है, मुझे सिर्फ थोड़ा रीअरेंज करने की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, 2 पहले लिख दूंगा, ये 2 पहले लिख दूंगा और उसके बाद मैं ये लिख दूंगा साइन थेटा प्लस कॉस थेटा, सिंपल। ये एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, साइन थेटा प्लस कॉस थेटा टाइम्स 2, तो टाइम्स 2 मैंने आगे ले लिया, 2 टाइम्स साइन थेटा प्लस कॉस थेटा, दैट इज माई RHS। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और ये पी क्यू, तो मुझे क्वेश्चन में बताया था साइन थेटा प्लस कॉस थेटा होता है पी, तो मैंने आसान से आसान लैंग्वेज में एंड फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ये एक्सप्लेन किया है। अगर ये सॉल्यूशन यूजफुल हुआ है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।